हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पोकेमॉन गो की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी के इवोल्यूशन के बारे में कि ईवी कितने तरीके के पोकेमॉन में इवॉल्व हो सकता है। तो आज की डेट में ईवी टोटल 8 तरीके के पोकेमॉन में इवॉल्व हो सकता है और उन 8 में से ये 5 फॉर्म ऐसे हैं जिसमें ईवी को आप अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व करवा सकते हैं। मतलब किसी भी एक फॉर्म में आप अपनी तरफ से इवॉल्व करा सकते हैं। मतलब जब भी आप इवॉल्व पे क्लिक करोगे तो ईवी उसी फॉर्म में इवॉल्व होगा। तो ये कैसे करना है इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईवी को इवॉल्व करने के लिए पोकेमॉन गो में कुछ ट्रिक्स काम करती है और यानी कि उसमें कुछ नेम्स काम करते हैं। जब भी आप ईवी को इवॉल्व करना चाहते हैं तो आप वो पर्टिकुलर नाम उसका रख दीजिए, यानी कि उसके नाम को रीनेम कर दीजिए और जब उसके बाद आप उसको इवॉल्व करोगे तो वो आपके ही पसंद के पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाएगा। तो वो नाम है ये, आप एक बार नज़र डाल लीजिए। अच्छा, इस इन नए नेम्स की हेल्प से आप सिर्फ एक ही बार ईवी को इवॉल्व कर सकते हो, यानी कि अगर आप दूसरी बार भी उसी फॉर्म में ईवी को इवॉल्व करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसको आप तभी यूज़ करिएगा जब आपके पास इसका कोई टारगेट आता है या फिर कोई टास्क आता है, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली इवॉल्व करिएगा तो ये रैंडमली किसी में भी इवॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपने इसमें वीडियो में देखा कि अभी मैंने किस तरीके से अपने ईवी को एम्ब्रियन में इवॉल्व करा है, तो ये कैसे काम करा वही मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। अगर आपके समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा आगे तक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले अपने ईवी को तमाओ में रीनेम करा था। तमाओ में रीनेम करने से ये एम्ब्रियन में इवॉल्व हो जाता है। तो जब मैंने उसको रीनेम कर दिया और उसके बाद इवॉल्व करा तो वो मेरे पसंद के पोकेमॉन में इवॉल्व हो गया। और इसी तरीके से इसके अलग अलग फॉर्म्स है, तो इसके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आप किस नाम से उसको किस पोकेमॉन में इवॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।